मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या की तिथि शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनिवारी अमावस्या भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन सलीला सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर नागेश्वरनाथ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम की जन्मभूमि में भगवान श्री रामलला का दर्शन, पूजन और दान पुण्य कर रहे हैं और साधक संत मौन व्रत रखकर अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या को सबसे बड़ा तीर्थ मानने वाले श्रद्धालु संगम स्नान के बाद सरयू स्नान को पुण्य अर्जुन का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। इसी के मान्यता से ओतप्रोत प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने पर मेले जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कुशीनगर धाम से आए लोग और भगवान राम के धाम पे इस राम नगरी में आए लोग, भगवान का बहुत बहुत आभार है। हमने आज मौनी अमावस्या के दिन हम लोग स्नान करने आए लोग माँ सरयू जी के में, और स्नान करने के बाद हम लोग को बहुत मन की शांति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी नगरी है, बहुत अच्छा राम जी के दर्शन भी मिल रहा है तो और अच्छा होगा। आज हम पहली बार भगवान राम के धरती पर आए हैं अयोध्या नगरी में और हम लोग सरयू में स्नान कर चुके हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे भगवान राम की जन्मभूमि के पास दर्शन करेंगे और उनके दर्शन के बाद और मंदिरों में जाके और भगवान राम के दर्शन करेंगे। आज के दिन हम जब गंगा जी में या सरयू जी में किसी भी नदी में जब स्नान करते हैं तो हम वहाँ पे मौन होकर स्नान करते हैं, मतलब बोला नहीं जाता है। पानी में प्रवेश लेते ही जो भी डुबकी लगाई जाती है उसमें मौन रहा जाता है और चुप होकर स्नान किया जाता है और माँ गंगा का और जितनी भी नदियाँ हैं जो पवित्र नदियाँ हैं उनका नाम लिया जाता है अपने मन में। भगवान राम के अयोध्या नगरी में यहाँ हम लोग को मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर हम लोग स्नान कर रहे हैं सरयू नदी में, और स्नान करके हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ पे स्वच्छता और हर चीज़ का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। इसके बाद हम लोग राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। आज की यह पर्व साल में एक बार मनाई जाती है माघी अमावस्या, अमावस्या का मौनी अमावस्या इसे कहते हैं। इसमें मौन हो करके सुबह उठ करके बोला ना जाए और स्नान किया जाए तो कहते हैं अनंत पुण्य प्राप्त होता है और इस फल की प्राप्ति का कोई तुलना नहीं है। और आज का जो ये मेला है ये मुख्य रूप से प्रयागराज का मेला है। ये तीर्थपति भगवान प्रयाग का यह परम सौभाग्य सभी का होता है कि सुबह आकर के यहाँ मौन होकर के स्नान करते हैं, स्नान के बाद लोग दान पुण्य करते हैं। आज तिल का दान का विशेष महत्व है। यह मौनी अमावस्या पर्व जो है बड़ा ही पावन और पुनीत है।